नमस्ते दोस्तों, सुनीता विलेज फूड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारे भाई और बहन हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, हमारे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर वातावरण है। खेत भी बहुत हरे भरे हैं, इधर धनिया के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर हैं। दोस्तों इधर आप लोगों को मैं सामग्री दिखाती हूँ। इधर मैंने आलू को पतले स्लाइस में काटे हैं, हरी धनिया की पत्ती है, लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट है, सब्जी मसाला है, प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। इधर मैंने हरे चने लिए हैं, टमाटर को काट लिए हैं, चूल्हा मैंने जला लिया है, कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल, तेल थोड़ा ही डालूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें चने को, चने को मुलायम होने तक मैं इसको भूनूँगी। चने हमारे भून चुके हैं दोस्तों, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैं इसमें तेल डालूँगी, इसमें फ्राई करूँगी आलू को और तेल थोड़ा ही डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, आलू को मुलायम होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। आप लोग देख सकते हैं आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैं सिलबट्टे पे चने को पीसूंगी, इसका मैं बनाऊंगी निमोना। आप लोग देख सकते हैं चने हमारे बहुत ही मुलायम हैं और अच्छे से पीस रहे हैं, इसी तरह मैं सारे चने को पीस लूंगी। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। चने को मैंने बारीक पीस लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल, साबुत जीरा, एक चुटकी हींग, तेज पत्ता, इसको अच्छे से पकाऊंगी। अब मैं डालूंगी प्याज को, इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। प्याज हमारा पक चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ी देर तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर को, इसको भी अच्छी तरह से चला देंगे। सब्जी मसाला को डालूंगी, इसे भी अच्छी तरह से मिलाऊंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके पकाऊंगी। हमारे मसाले पक चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चने को जो मैंने पीस के रखे थे, उसको भी अच्छी तरह से मिला दूंगी। इसको भी थोड़ी देर तक भूनूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी आलू को जो मैंने फ्राई करके रख लिए थे, उसको भी अच्छी तरह से मिला दूंगी। थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, फिर से इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ग्रेवी के अनुसार पानी को डालूंगी, अच्छी तरह से मिलाऊंगी। स्वाद के अनुसार नमक को डालूंगी, एक थाली से ढक दूंगी 10 मिनट के लिए।
आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक रही है। हरी धनिया की पत्ती डालूंगी, इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। एक बार आप लोग चने का निमोना अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों। इधर मैंने निमोना के साथ चावल और रोटी भी बनाई है, बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनी हुई है दोस्तों। आप लोग एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई करना। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी हुई है। सब्जी के साथ मैंने चावल और रोटी भी बनाई है दोस्तों, बेसन की रोटी बनाई है मैंने इसके साथ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।